कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए 4,622 नए मामले, वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 3,04,000 के पार पहुंच गई है। 2,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना को लेकर पंजाब से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 35,000 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। ऐसे में पंजाब में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 4,622 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,04,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 2,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी पंजाब में मौजूद हैं। कोरोना को लेकर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी अपडेट, जहां पर पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 4,622 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,04,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 2,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अभी भी 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। पंजाब में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 4,622 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,04,000 के पार पहुंच गई है। 2,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। लगातार आपको पहुंचा रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी कोरोना को लेकर पंजाब से, जहां पर 24 घंटे में 4,622 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 3,04,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 2,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, पर प्रदेश में अभी भी 35,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक्टिव हैं।